हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं रेलवे ट्रैक को कैसे जोड़ा जाता है। पहले ट्रैक को अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, उसके बाद इसमें एक मोल्ड को फिट किया जाता है। यह मिट्टी से बना हुआ मोल्ड होता है, यह मेटल को इधर उधर हिलने से रोकता है। फिर इसके बाकी बचे हुए हिस्से को मिट्टी की मदद से ढक लिया जाता है। फिर इसमें दोस्तों मेटल और बारूद का एक विस्फोट किया जाता है। विस्फोट के कारण ट्रैक और मेटल दोनों अच्छी तरह से गर्म होकर पकड़ बना लेते हैं। इसके बाद मेटल के एक्स्ट्रा पार्ट को एक हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन की मदद से हटा लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को थर्माइन प्रोसेस कहा जाता है।